देखो हरिद्वार में 10,000 से ज्यादा वर्कर काम कर रहा है, उसके आप मालिक हो। सोच के देखो ऐसे ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में लाखों है, रुपया एक नहीं करना है, और जहाँ जाओगे कुछ ईश्वर कर आपको बैठा बैठिए सर, और पानी और चाय फ्री भी मिलेगा। सोच के देखो आपको पूरे हिंदुस्तान में आदेश होती है एक रुपया खर्च नहीं करना है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अपने लोगों को बैठा सकते हो, और फ्री में लोग समझाने वाले हमारे जैसे पागल घूम है पूरे हिंदुस्तान में। आपको करना क्या है, केवल एक स्ट्रांग डिसीजन लेकर के एक विश्वास के साथ इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना है और इसके बारे में लोगों को बताना है। क्या दो बहुत बड़ी काम है, एक पान की दुकान में इतना विश्वास हो तो सुबह 7 बजे पहुंच जाते हो, जहाँ पर लाखों का महीना कमाना है, लाखों ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में है, उस पर विश्वास के लिए 11 बजे बोला जाता है तो हम 11:30 बजे और कमाना। सोच के देखो ये विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसी दुकान नहीं बंद कर दिया। 2016-15 जून को ये लगा ये कंपनी मेरी है, 400 प्रोडक्ट का मैं मालिक हूँ, हरिद्वार में जो फैक्ट्री है वो मेरी है, और ये विश्वास जिस दिन हो गया वो सारे लोगों के साथ आपके बहुत बढ़िया ट्रैक है, अपना ही कंपनी क्यों नहीं खोल लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अपना ही कंपनी खोल लेते हैं। भाई साहब बीरबाल के पास बहुत टैलेंट था, लेकिन वो अकबर के पास ही सही था। आपके टैलेंट अकबर के पास ही सही रहेगा, तो कभी कभी सारे टैलेंट तेल लेने चले जाते हैं। और हमारे को अकबर जैसे और बीरबल जैसे एमडी और सीएम नहीं मिला तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसे अकबर और बीरबल एमडी सीएम के लिए जबरदस्त वाली हुई आप तक समझ में आ गए क्यों करना है। अच्छा अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे क्या सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन कराना है, जो भी आपके अप्लाई बुला के लाए होंगे समझ जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं करना है, आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ फोटो देंगे आपके रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगा, और आप पूरे हिंदुस्तान के इस कंपनी का सीधा पार्टनर बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है सबसे मजे की बात, इसमें जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं देखिए जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, और रजिस्ट्रेशन जैसे कराते हैं आपको 10% से लेकर 30% तक हेल्थ टू हेल्थ आपको छूट मिलता है, 10% से लेकर 30% तक एक भारी छूट मिलता है। फिर फौजी को 20% छूट मिलता है, और 50 किलोमीटर उसको पता है जो फौजी का कैंटीन है वो जाता है सामान लेने के लिए, 20 किलोमीटर एक फौजी नहीं रहता उसके पत्ती जाते हैं बस पकड़ के टेम्पो पकड़ के आदमी मेरे कहीं से है फौजी में मैं देखता हूँ बोलते भैया वो फाइटर जो है ना वो गए हैं कैंटीन में गए हैं सामान छूट पर मिलता है सर छूट पर मिलता है आपका है देखिए विमान था हमारा छापा जा रहे हैं फैक्ट्री के सामान ला तो अगर आपको पता है तो 10% से 30% आए किसी के दुकान पर मुझे जहाँ भी जाएंगे छूट पर मिलेगा, और 2-4-5 किलोमीटर का दुकान हो तो जहाँ से मिल जाते अच्छा उसमें भी अपलाइन पर बड़े आसान दिखाएंगे कसम खा लिया तू ला के देगा तभी क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ क्या करता हूँ मोहब्बत करता हूँ बारिश हो पत्ता गिरे आंधी हो तूफान हो मैंने तो ब्रह्मा बिल्कुल से बचन ले लिया हूँ मेरा अप्लाई ला के देगा तभी ये बचन जो वहां कैंटीन में मिले लोग फौजी से जो आपको ज्वाइन कराया आदमी उसको तू ला के देगा तभी कहूंगा क्योंकि मैं तो बचन लिया हूँ मेरा अप्लाई ला के देगा। अब देखिए 10% से 30% छूट कैसे मिलता है, जैसे हमारे हर एक प्रोडक्ट में पहले एमआरपी होता है दूसरा जीपी होता है और तीसरा बीडी होता है। ध्यान दीजिएगा तुलसी 195 रुपया का है, ये जैसे आप रजिस्ट्रेशन करा के लेते हैं आपको 150 में मिलता है, तुलसी 195 का जैसे आप रजिस्ट्रेशन करा के लेते हैं ये आपको कितना मिलता है 150। अगर आपने तुलसी लेट पिया तो 45 रुपया बचा लिए और 4,000 मुझे खर्चा नहीं किसी को चर्चा कर दिया वो ले लिया तो 45 रुपया कंपनी का कभी फोन आने वाला आपके पास नहीं है, और मैं यही 45 रुपया कमा के 4-6 महीने 8 महीने अपने घर को चलाया था, सुबह से शाम कैनोपी मंदिर पे कैनोपी जागरण पे कैनोपी गुरुद्वारा पे कैनोपी चौक पे कैनोपी चौराहा पे कैनोपी यही लगा के मैंने अपने घर को चलाया। अब देखिए सबसे मजे की बात ये तो 45 रुपया
ये 45 रुपया आपको बचता है हेड टू हेड, और साथ में हमारा जितना प्रोडक्ट है उसमें बीबी है, जैसे तुलसी में 55, ध्यान दीजिएगा 55 बीबी। ये जो बीबी है बिजनेस वॉल्यूम, हर प्रोडक्ट पे आपको एक पॉइंट की तरह बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और इस बिजनेस वॉल्यूम के तहत आपके अकाउंट में ये पैसा, ये जो बीबी का पैसा है आपके अकाउंट में आएगा। कैसे आएगा? ये तो आपको हैंड टू हैंड छूट मिलता है और ये अकाउंट में आता है। यहाँ पर 1 रुपया से लेकर 1001 बीबी जिस दिन भी करते हैं आपका लेवल 10% हो जाता है और आपका नाम जो है स्टार 1 हो जाता है। अभी आपने देखा होगा ना स्टार 1 को सम्मानित किया जाता है 10% लेवल से जी। ऐसे यहाँ पर जुड़ते हुए कर्म में, यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई जबरदस्ती थोपना नहीं है, जो आपको इतना लेना ही है, आपका जब जेब जरूरत है जेब अलाउ करे इतना लेना है उतना ही लेना। 1001 बीबी जैसे हो जाएगा 10% लेवल होगा। जुड़ते हुए कर्म में जिस दिन आपका 7501 बीबी जिस दिन हो जाएगा आपका लेवल कंपनी में 15% होगा और आपका नाम यहाँ पर स्टार 2 हो जाएगा। ऐसे जुड़ते हुए कर्म में जिस दिन आपका 25001 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा आपका लेवल कंपनी में 20% और आपका जो नाम होगा स्टार 3। ऐसे जुड़ते हुए कर्म में जिस दिन 7001 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा आपका लेवल कंपनी में 25% और आपका नाम यहाँ पर स्टार 4। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार 4 अभी आया था 25% वाले। और इसके बाद ऐसे जुड़ते हुए क्रम में प्रत्येक महीना का बिजनेस यहाँ पर जुड़ता रहेगा, कभी भी माइनस नहीं होता है। बहुत सारे कंपनी हर महीना आपका लेवल 0 कर देगा, यहाँ पर कभी भी आपका लेवल 0 होने वाला नहीं है। जुड़ते हुए क्रम में जिस दिन आपका 1,01,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा आपका लेवल कंपनी में 30% और आपका नाम हो जाता है सुपर स्टार। मैं सिस्टम में जब आया था तो हमारे जो अपलाइन है करेक्ट अपलाइन जिसके आज नेटवर्क मार्केटिंग का विभाग भारत का काम करता है, उन्होंने कहा एसपी सर आप मुझे बताओ अमिताभ बच्चन को आप जानते हो? मैं कहा यस सर। बोला शाहरुख खान को जानते हो? मैं कहा यस सर। बोला सलमान खान को जानते हो? मैं कहा यस सर। बोला वो लोग आपको जानते हैं? मैं कहा नो। बोला जिस दिन आप यहाँ पर सुपर स्टार बन जाओगे वो लोग भी आपको जानने लग जाएगा, क्योंकि हमारे सुपर स्टार अचीवर को प्रयागराज स्टेडियम में जैसे वहाँ पर अचीवर को सम्मान किया जाता है और उन्ही लोगों को बुलाया जाता है जो गुलदस्ता पता होगा। मैं बता दूं हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो एक छोटी से लेवल पे खाते खाते यहाँ पहुंचा, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर खाते खाते जुड़ते 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 यहाँ पर पहुंच जाओगे और इसकी खासियत है जिस दिन आप सुपर स्टार बन जाते हो आप पूरी कंपनी टर्नओवर का 3% का हिस्सेदार बन जाते हो। क्या बन जाते हो? यानी क्वालिफाइड सुपर स्टार जैसे आप मेंटेन करते हो आपको पूरी कंपनी टर्नओवर का 3% हिस्सेदार बना दिया जाता है। आज तक हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी आपको नहीं मिलेगी एक छोटी सी लेवल पे पूरे कंपनी टर्नओवर का हिस्सेदार है। क्या इसकी जरूरत वाली होगी? मतलब आप सुपर स्टार बन गए, अब इसके आगे क्या करना? सबसे मजे की बात है यहाँ पर देखिए सुपर स्टार बन करके सिस्टम में आप चाहोगे तो 5,000 रुपया से लेकर लगभग 15,000। लेकिन सब क्या है सुपर स्टार बनना है और कम से कम अपने जैसे 50-100 लोग खाने वाला भी आपके साथ है। अगर आपको 50-100 लोग आपके जैसे खाने वाला हो जाए और आपके अकाउंट में 5,000 से 15,000 ना आ जाए मेरा नंबर दे देना, कॉल करना और आपकी जूता और मेरा। लेकिन सर है कम से कम 50-100 लोग आपके जैसे खाने वाला। तो सर ये 5,000 से 15,000 रुपया आ सकता है, मुझे ये बताइए दुनिया का कोई ये नौकरी करने वाले को ये गारंटी दे दे भैया तू मेरे यहाँ नौकरी करता है कोई भी है भी दा नहीं कुछ भी होगा मैं तुझे 15,000 जब तक धमकी रहेगा मैं देता होगा कोई एक कंपनी ना बता। शादी में गांव चले जाओगे और वहां भी तुलसी पियोगे तब भी 15,000 दूंगा।
हॉस्पिटल में बीमार पड़ गए, एक महीना बेड पे लेटे रहे और तब भी तुम जीते होगे, तब भी ये आएगा, ऐसा कोई काम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने आपने जैसे 50-100 लोग आपके साथ आ गए तो 5,000 से 15,000 दुनिया कोई माइक पर रोक नहीं सकता। आपने बनाना, सुपर स्टार आप बन गए, और ऐसे ही सुपर स्टार अगर आप बनाते हैं तो आपके जीवन में कौन सा फैलाव आ सकता है उसको थोड़ा सा देखो। आप यहां पर सुपर स्टार बनते हैं और आपके साथ एक लोग जैसे सुपर स्टार बन जाता है और यहाँ से 30,000 बिजनेस वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड सुपर। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड सुपर स्टार। और यहाँ से आप कंपनी टर्नओवर का 3% हिस्सेदार, यहाँ से वो 3% आपको आना ही आना। अब थोड़ा सा अगर आपने साइड से एक दो लोग और दो तीन लोग आ गए और आप मिला करके थोड़ा सा यहाँ पर और काम कर लेते हैं साइड से 20,000 बिजनेस वॉल्यूम, तो यहाँ पर आप बन जाते हैं सिल्वर स्टार। क्या बन जाते हैं? सिल्वर स्टार। और सिल्वर स्टार का क्या क्या बेनिफिट ये जान लीजिए। सबसे पहला यहाँ पर आपको मिलता है डिफरेंट इनकम। डिफरेंट कितना? यहाँ से 3% आएगा और यहाँ अगर कोई 15% या 20% पे है तो यहाँ से हो सकता है आपको 15% भी आ सकता है, 10% भी आ सकता है, 13% भी आ सकता है। तो टोटल अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर 16% आपको डिफरेंस आता है टोटल। यहाँ पर दूसरी इनकम कंपनी देती है लीडरशिप। लीडरशिप 5% देती है। तीसरा इनकम यहाँ पर देती है कंपनी आपको, अगर इसी लेवल को आप एक महीना और मेंटेन करते हो ट्रेवलिंग फंड, कंपनी टर्नओवर का 4%। ट्रेवलिंग फंड है कंपनी टर्नओवर का 4%। ध्यान दीजिएगा ये लेवल का क्या गरिमा है सिल्वर स्टार का। आपको दूसरा देती है लीडरशिप 5% और तीसरा इनकम देती है कंपनी टर्नओवर का ट्रेवलिंग फंड 4%। कंपनी का बहुत जाता है। और यहाँ पर चौथी इनकम सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में हमारी कंपनी ने पूरी दुनिया ध्वस्त हो गया था, त्रस्त हो गया था, सब कुछ कामोज बंद हो गया था, लेकिन हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो इस लेवल पे 2,00,000 रुपया का मुआवजा दिया था। अगर कोई आदमी सिल्वर बन जाता है और इस लेवल को मेंटेन कर लेता है, अगर उसको कुछ हो गया उसके नौकरी को 2,00,000 रुपया और कम से कम सैकड़ों लोगों को 2,00,000 रुपया कोरोना काल में। और जो पांचवा इनकम अभी मानसून धमाका चल रहा है, इस महीना आप सिल्वर बनते हैं और अगले महीना केवल मेंटेन करते हैं तो यहाँ से आपको ये 20,000 रुपया एक बोनस देते हैं जिसका नाम है मानसून धमाका प्रोग्राम सिल्वर स्टार। ये आपको 4-4, 5-5 बेनिफिट मिलता है और ये सिल्वर बनते ही आपको शुरू होगा। और सबसे मजे की बात है आईसी बिजनेस में अगर आपको आना है तो कम से कम कहां तक आप आ जाओ उसके बाद बेशक नहीं भी करोगे तो चलेगा। सिल्वर के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है मैं लिखूंगा कब सारे फटाफट बताऊंगा, मुझे पता आप लोगों की जल्दी हो रहा है। सिल्वर के बाद केवल दूसरे को सुपर स्टार बना, एक दूसरे जिसे आपने एक सुपर स्टार बनाया और दूसरा सुपर स्टार आप तैयार करते हो ये भी 30% हो जाता है। और यहां से भी क्वालिफाइड 30,000 बिजनेस वॉल्यूम जब आएगा तो आप बन जाते हो गोल्ड स्टार और साइड से थोड़ा सा काम करते हैं। गोल्ड स्टार में जितना सिल्वर में था इसमें केवल एक बाइक फंड और बढ़ जाता है जिसका है कंपनी टर्नओवर का 4%। और जिस दिन आप एक सुपर स्टार और बना देते हो 30% और यहाँ से भी 30,000 बिजनेस सुपरस्टार बन जाता है, जिस महीने में आपने 3 सुपर स्टार बना दिया और आपकी क्वालिफाइड सुपर स्टार तैयार हो गया उस दिन आप बन जाते हो रूबी स्टार। रूबी स्टार कंपनी का वो लेवल है। इस लेवल के लिए मैंने अपने चौकी की दुकान को बंद किया था और कोल्ड एनर्जी बिजनेस को। रूबी स्टार में सबसे पहला इनकम
यहाँ से आपको क्योंकि रूबी एस्टेट में जो आपका लेवल होता है वो होता है 39% और रूबी एस्टेट में सबसे पहला आपको आता है डिफरेंस इनकम, क्योंकि ये लोग अगर 30% रहेगा तो आप 39 हो तो 9% आपको डिफरेंस क्या आएगा। और दूसरा जो इनकम आता है यहाँ पर आता है लीडर बोनस, लीडरशिप आता है 10% रूबी एस्टेट। तीसरा जो इनकम यहाँ पर कंपनी देती है सबसे मजे की बात है ट्रेवलिंग फंड 4%, चौथा इनकम देती है बाइक फंड कंपनी टर्न ओवर का 4% और पांचवा इनकम देती है कार फंड कंपनी टर्न ओवर का 2%, छठा इनकम देती है मीटिंग फंड कंपनी टर्न ओवर का 0.5% और सातवां अभी दे रही है सुपर धमाका बोनस अगर आपने एक महीना रूबी बना और अगले महीना ही केवल मेंटेन कर लेते हैं तो यहाँ से आपको देती है 30,000 रुपया सुपर बोनस हमारा। ₹15,000 ये बोनस आपको कंपनी देती है महीने का बोनस, जो लोगों को 15,000 रुपया सैलरी नहीं है, आज यहाँ पर ज्यादा साल 20-20 साल नौकरी कर रहे हैं 15,000 रुपया सैलरी नहीं है, ये सब कुछ करने का केवल 30,000 बोनस मिल रहा है। और सोच के देखो मैं एमसी बिजनेस में क्यों आया था, इसलिए नहीं आया था इस लेवल पे आके आपका इनकम लगभग 30,000 से लेकर 40,000-35,000 इतना हो जाता है, 30-40 हजार रुपया के लिए 70-80 हजार का जो इनकम हो रहा था उस दुकान को बंद करके फुल टाइम एमसी करने वाला नहीं था। मैं एमसी को क्यों किया ये मैं बता रहा हूँ आप लोग किस लिए करोगे, ये अब लास्ट पॉइंट है और ज्यादा नहीं 3-4 मिनट में आप लोगों को समझ देने वाला हूँ। ये तो आपको 7 प्रकार के इनकम मिल रहे हैं यहाँ पर, साथ में इसमें क्या ट्रेवलिंग फंड कंपनी का नंबर से, बाइक फंड कंपनी का नंबर से, कार फंड कंपनी का नंबर से, मीटिंग फंड कंपनी का नंबर से, ये सारे कुछ कंपनी का नंबर से है। हो सकता है दिल्ली में बारिश आ जाए बाढ़ आ जाए तो जरूरत नहीं यूपी में इजाद आ जाए, कोई जरूरत नहीं बिहार में बाढ़ आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं महाराष्ट्र में बाढ़ आ जाएगा, तो ये जो आपको फंड मिलने वाला है हो सकता है दिल्ली में नहीं होगा काम लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक बार तो होने वाला नहीं है। और मैं क्यों किया था ये छोटा सा मैं ग्राफ आप लोगों को दिखा के आप लोगों को बता रहा हूं, ये मेरा नाम एस डी यादव है और मैं यहाँ पे हूँ। आज के डेट में इस सिस्टम से 60-70-80 हजार रुपया महीना लगभग कमा रहा हूँ और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो 60-70-80 हजार कमाने वाले भी बहुत मैं मानता हूँ। अब ये सर मैं आईसी से पहले की बात करता हूँ, 80 हजार कमा रहे हैं तो 80 हजार एस डी यादव केवल अकेला अपने लिए नहीं कमा, हमारे ऊपर क्या होता है हमारी माँ प्लस पापा डिपेंड होता है ना, हम कमाने को लोग बुजुर्ग हमारे बड़े डिपेंड होते हैं। अच्छा उसके बाद क्या होता है हमारे नीचे हमारे पापा होते हैं, उसके बाद क्या होता है हमारे नीचे क्या पत्नी है और बहुत सारे लोगों को हम दो हमारे दो, बहुत सारे लोगों को हम दो हमारे तीन, बहुत सारे लोगों को हम दो हमारे तीन लोग लेकिन हम जो है हम दो हमारे तीन दो लड़का एक लड़की है, तो ये तो 80 हजार रुपए कमा रहे हैं इन लोगों के ऊपर भी खर्च करते हैं। क्या क्या चीज में खर्च करते हैं हमारे आपके घर में डेली कुछ न कुछ साग सब्जी दूध लेकर आता है, आता है सर आपको घर में भी बाकी नहीं बोलो उसका नहीं आता। उसके बाद क्या होता है हमको क्या है आज तो जमाना है भोकाली भोकाली लोग तो समझते हैं, मैं पीछे गोंडा में रहा था तो बोला सर जी अच्छी जाना था, मैं कहो बोला पहले 3 काल होता है आप 5 काल होते, मैं कहो कहो बोला एक 20 काल एक भोकाल और भूत वर्तमान भविष्य टाइप का, पहले लोग कुछ भी होता था ना आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करोगे कुछ भी होता था 20 साल में, तो किसी को भी मतलब एक निष्काल आ गया था भूत वर्तमान भविष्य काल के साथ और पांचवा आ गया था भव काल, सारे खाने में नहीं होगी गले और सोया चले हो, तो ये 5 काल जो है पहले होता था तो आज भी ये भौकाल चल रहा है। अगर पड़ोस के घर में 36 इंच का एलईडी टीवी है तो आपके बच्चे कम बोलेंगे आपके मैडम बोलेंगे जी अपना बच्चा ना दूसरे
दूसरे घर में टीवी देखने चले जाते, मतलब रोज आग लगाने का, उससे भी नहीं हुआ अगर पड़ोसी घर में 25,000 का मोबाइल है तो आ जाए जी को नहीं देखे, उसके हाथ में 40,000 का मोबाइल है, तो हम लोग भौकाल में किस पे ले आते थे, कभी टीवी ले आए, कभी रेडी ले आए, कभी मोबाइल ले आए, जो भौकाल में किस भी जाता था नहीं। उसके बाद आज हम लोग सबसे ज्यादा अपने बच्चे के ऊपर फीस यानी एजुकेशन महीना का फीस भी जाता है। हम यहाँ पर क्या है एसडी यादव यहाँ पे मतलब 50,000 से 80,000 रुपया कमा रहा है, तो ये सारे लोग इनके ऊपर डिपेंड है, मम्मी पापा ये सब सब के सब क्या है, ये सारे खर्चे जो है एसडी यादव चल रहा है और सब लोग बहुत बढ़िया से ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। एक दिन अचानक क्या हुआ, एसडी यादव घर से निकला, लाल बत्ती पे गया, एक ट्रक आया और टक्कर मारा, खत्म हो गया। आप लोग भी अपने नाम डाल के कल्पना करिएगा, तो आज मैं 10-20-30-40-50,000 कमा रहा हूँ, अगर इस जगह पे एसडी यादव नहीं है, अगर ट्रक मारा टक्कर खत्म हो गया एसडी यादव, तो क्या हमारे माँ बाप जो बुजुर्ग है वो खाना पीना बंद कर लेगा, खाएंगे? डेली जो 60 सब्जी दूध आता था क्या वो बंद हो जाएगा? क्या जो हमारे स्कूल में फीस जाते थे वो मैडम बोले वो एसडी यादव बहुत बढ़िया था छोड़ दो? जी नहीं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना अपने बच्चे को घर के बाहर निकाल दिया, जो किस्त को गाड़ी ले लिए है आप और 20,000 महीने का 2 महीना 3 महीना करेंगे एसडी यादव, चलो बहुत बढ़िया किस्त होता था, ये 2 महीना छोड़ देगा, तीसरे महीने आपके दरवाजे से आपके पत्नी के सामने आपके बुजुर्ग माँ बाप के सामने गाड़ी उठा कर देंगे, कहा गया कुछ भी नहीं। अब बताइए मुझे ये सारा का सारा लोन किस पे आने वाला है? पत्नी के ऊपर। अब इनके पास दो रास्ते बचे, या तो जहाज का पुलिया लाया जाए और सबको डाल के खुद भी खा के मर जाए, या 99% लोग आत्महत्या करते केवल पैसे की वजह से, या तो कुछ लोग गलत रास्ते को अपना लेते हैं। क्या मैं और आप चाहूंगा या हम चाहेंगे जो मैं ना रहूं तो हमारे पत्नी हमारे बच्चे आत्महत्या करे? क्या हम आप चाहेंगे मैं ना रहूं तो हमारे बच्चे गलत रास्ते को अपना? नहीं, सोच के देखिए। लेकिन इस सिस्टम में अगर आप आईएमसी में आ गए हो और अगर आप रूबी स्टार बन जाते हैं, अगर भगवान कभी किसी का ऐसा ना करे, अगर मुझे कुछ हो गया तो सीधा आपका जो लेवल है नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा और आपके नॉमिनी को ये जो 6% की इनकम है, जब तक भारतीय सूरज चांद रहेगा ये आपका रहेगा। किया और ये लेवल तो मैं केवल 2 ही साल में नहीं गया, और आज हमारे टीम में हमारे जैसे कई लोग रूबी स्टार है और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, एक वचन लिया है, जब तक हिंदुस्तान को हर घर में एक रूबी स्टार नहीं बनाऊंगा तब तक चैन कराने वाला नहीं। इसलिए एमसी बिजनेस को करना है। पैसा लगा तो नहीं बढ़िया लगा तो कुछ आपको बढ़िया लगा आज से इस चीज को अपने ऊपर आग लगाओ और इस सिस्टम को अपनाओ, क्योंकि ये बिजनेस अपने लिए नहीं अपने बच्चे के भविष्य के लिए करना है। ये बिजनेस इसलिए नहीं करना है जो आज 60,000 कमा रहे तो 5 रुपया कमाएंगे, जी नहीं। आप हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है, आईएमसी बिजनेस पैसिव इनकम के लिए करना है। मैं रहू या ना रहू हमारे घर में इनकम डबल होने वाला नहीं। एक गाड़ी खरीदते हैं, हम कार खरीदते हैं, उसमें पहले से 5 चक्का आता है, क्योंकि कार की कंपनी को मालूम है इसका टायर कभी भी पंचर हो सकता है। लेकिन आज जो आप काम कर रहे हैं इस बात क्या गारंटी, जब तक आप जिंदा रहोगे उसी कंपनी में नौकरी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं, कभी भी मालिक आपको निकाल सकता है। तो पैसिव इनकम के लिए आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट करो, धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करो और इसमें कुछ रूल्स है उसको आपको अपनाना पड़ेगा, 4-5 काम करना पड़ेगा जिसको सफल होना है। जानना चाहते हैं आप लोग वो कौन सी 5 काम है जिसमें आप सफल हो सकते हैं, जानना चाहेंगे? सबसे पहला काम को करना पड़ेगा इसमें, इस कंपनी का 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम कहता है पहले यूजर बनो और यूजर बनाओ, पहले आपको यूज करना। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं सर ऐसा नहीं होगा, पहले 10-20,000 रुपया आज आपका हम खाएंगे। अच्छा, बच्चे को जब एडमिशन कराने जाते हो उस मैडम से क्यों नहीं पूछते हो, मैडम जी कुछ ऐसा ना हो जाए मेरे बच्चे से जब 5-10 हजार आना शुरू हो जाएगा तब यूनिफॉर्म दे,
सब कॉपी किताब रहते हैं, कभी सवाल करते हो? वकील बनने के लिए 5 साल 4 साल चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए 7 साल 8 साल चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए 5-6 साल चाहिए, प्रोफेसर बनने के लिए 6-7 साल चाहिए, साथ में लाखों रुपया महीना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ 3 साल से 5 साल इसका प्रोडक्ट यूज करके और आपने सीखना शुरू कर दिया 4 साल से 5 साल लाख रुपया महीना कोई माई बना नहीं सकता सीखना। हमेशा ड्रेस कोड, क्योंकि एक जो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है ना 10-12 हजार कमाता है, वो भी शर्ट पैंट टाइप जूता मोजा और टोपी लगाकर सैलून मारता है। 10-12 हजार कमाने वाले को यूनिफॉर्म चाहिए, ड्रेस कोड चाहिए, एक भिखारी को भीख मांगने के लिए ड्रेस कोड चाहिए, एक बच्चे को पढ़ने के लिए ड्रेस कोड चाहिए। अगर लाखों रुपए महीना कमाना है तो आपको भी आईएमसी के ड्रेस कोड से तैयार करना पड़ेगा और मोहब्बत करना पड़ेगा और दिल से सिस्टम को। हर मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना, कितने दिन? 3 साल से 5 साल आपके इर्द-गिर्द में कोई भी मीटिंग हो, किसी का भी मीटिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उसको अटेंड करना चाहिए कि नहीं? कुछ नहीं करना, उस मीटिंग में आप जाइए, अपने साथ लोगों को लेके जाइए, करना चाहिए। और चौथा काम करना है, जब भी कोई बड़ा मेगा सेमिनार हो, मेगा सेमिनार खुद भी उस मीटिंग में पहुंचिए और अपनी टीम को भी लेके जाइए, कभी भी वहां बहाना मत बनाइए, मैंने तो बहुत मीटिंग देखा है, मैंने तो बहुत ट्रेनिंग अटेंड कर लिया है, मुझे बहुत ज्ञान हो गया है, क्योंकि अगर पहलवान बनना है तो दूध को लगातार पीना पड़ेगा, 2-4 दिन दूध पीने से कुछ होने वाला मीटिंग ट्रेनिंग से क्या होगा? जब आप मीटिंग में आएंगे आप हो जाएंगे फुल चार्ज और जब बाहर जाएंगे आप हो जाएंगे फिर मीटिंग में आएंगे आप हो जाएंगे फुल चार्ज, बाहर जाएंगे फिर हो जाएंगे डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि जहां पर हवा भरा जाता है और बाहर में सुई लेकर होता है, यहां जहां से हवा भर के जाके जैसे चार सुई मारा खुश। तो मीटिंग से क्या होगा? 3 साल से 5 साल में देखिए मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार करने से आप आएंगे फुल चार्ज, बाहर जाएंगे डिस्चार्ज, आप आएंगे फुल चार्ज, बाहर जाएंगे डिस्चार्ज, आप आएंगे फुल चार्ज, बाहर जाएंगे डिस्चार्ज, और एक दिन आप बन जाएंगे ट्रांसफार्मर, फिर दुनिया का कोई माइक ना लगा। और पांचवा काम, अपने अप्लाई के हमेशा टच में रहना, हमेशा अपने अप्लाई में। हम लोग क्या था, कुछ लोगों को क्या होता है, थोड़ी सी हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाते हैं, थोड़ी सी हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाते हैं, और थोड़ी सी पैसा आता है तो लोग औकात तक भी भूल जाते हैं। अपने औकात नहीं भूलना चाहिए। उस इंसान ने आपको अंगली पकड़ कर सिस्टम में लाया जिस दिन आपको कोई नहीं जानता था, आज हो सकता है आपको 5,000 लोग जानने लगा। आज भी मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ जिन्होंने मुझे जबरदस्ती से सिस्टम में लाया। मैं चाहूंगा डॉक्टर कौशलेंद्र यादव जी को तो आना ही नहीं चाहता था इस सिस्टम में, क्योंकि जबरदस्ती से लाया। क्या ये 5 काम करना बहुत भारी काम है? कर सकते हैं, कपड़ा आप बन ही रहे हैं, आईएमसी का टी शर्ट पहनेंगे, आईएमसी का वेटकोट पहनेंगे, इतना बढ़िया किसी पार्टी में, हम लोग पार्टी में यही लग गया। क्या लग रही है, क्या ये कलर अच्छा नहीं, क्या इसमें अच्छे नहीं लगते हैं? बढ़िया लगता है, इसीलिए सभी लोग पहन के आते। मतलब आपने देखा होगा, ये क्यों जरूरी है, एक शादी जब होता है एक लड़के का खूब बढ़िया कोट पैंट टाइप पहनते, क्यों पहनते होते हैं? दुल्हा स्मार्ट लगे, नहीं दुल्हा स्मार्ट लगे। मैं कहता हूँ एक दिन की ये साला स्मार्ट क्यों बनता है, पूरे जिंदगी भर हमेशा स्मार्ट लग रहा है। स्मार्ट लगता कि आपके जैसे लोग बनना चाहते हैं। हम छठे हाल वक्त में जूता में पॉलिश नहीं, बाल में कमी नहीं, शर्ट फटा हुआ, पैंट फटा हुआ, बोलते हैं कि बात और लाख रुपये बोलता पहले तो पहले अपने आप को बतो, लोगों को बतो। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को मैं देता हूँ, उस लीडर को टीम को कॉल करता है, तू या ड्रेस कोड
तू कोट पैंट नहीं पहनता, तू टी शर्ट नहीं पहनता और खुद बंदा जो है लोअर पहन जाता है। अभी आई सी लोअर निकाला है, मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ मीटिंग में लोअर पहन, लोअर क्या मीटिंग में जाने के ड्रेस कोड है वो मीटिंग में, तो लोअर क्या जब ट्रेवलिंग करो घर में रहो उसके लिए। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे चेयरमैन सब मीटिंग में बैठा है पहन, क्या बात है, ये तो गलती हो गई साथ में समय मीटर नहीं निकला। तो ये पांच काम करके एस डी यादव छह साल में यहाँ तक पहुंचा है, आप भी पहुंचेंगे। लेकिन ये पांच साल तो छह साल का एक विश्वास टिकना और जो टिकेगा वही बिकेगा, जो टिकेगा वही बिकेगा। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में अपलाइन की दोष देते हैं, बहुत सारे लोग अपलाइन की कमी निकालते हैं, बहुत सारे लोग सिस्टम की कमी निकालते हैं। तो यूं ही नहीं गिरते हैं कोई झोली में, यूं ही नहीं गिरते हैं कोई झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। ऐसे झोली लेके खड़े हो जाएंगे फूल के पेड़ के तो भूल ही रहेगा क्या, यूं ही नहीं गिरती है कोई झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा लाइन को दोष देने से, कोसने से अपने हिस्से का दिया खो दी जाना। सत्यम सर और हमारी कंपनी के डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट आज पूरे कंपनी में छह साल से लगातार टॉप पे बैठा हुआ है, उनका कहना है उनकी बातों का कि मैं अपनी मीटिंग को समापन को ले चलूंगा। न जाने कब हमारी जिंदगी में शाम आ जाए और न जाने कब हमारे मौत का पैगाम आ जाए। आईएमसी करने वालों मेरे दिल में इतनी चाहत आप लोग के प्रति, मेरे खून का कतरा कतरा भी आपके काम आ जाए।